देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटा। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहां पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निकर टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। भट्टुकला क्षेत्र के एक गांव से भट्टू मंडी में आई मां बेटी हुई लापता, पुलिस ने किया मामला दर्ज। भट्टुकला क्षेत्र से एक गांव से भट्टू मंडी में दवाई लेने के लिए आई मां बेटी के लापता होने पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 25 वर्षीय पुत्री जो कि विवाहित है अपनी 5 वर्षीय बेटी के साथ भट्टू मंडी में दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। उन्होंने अपने स्तर पर उन्हें खोजने का भरसक प्रयास किया लेकिन उनका कोई पता नहीं चला, जिस पर इस मामले में उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। गांव बनावाली में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत 5 लाभार्थियों को मिला लाभ। राजकीय पशु चिकित्सालय बनावाली में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत बुधवार को 5 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया। राजकीय पशु चिकित्सालय के इंचार्ज डॉक्टर मदन लेगा ने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत उन परिवारों को व लाभार्थियों को फायदा मिल रहा है जिनकी परिवार की वार्षिक आय 25,000 से कम है। डॉक्टर लेगा ने कहा कि इस योजना के तहत इन परिवारों को उनकी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर काशीराम व SDO डॉक्टर इंद्रपाल गढ़वाल के दिशा निर्देश अनुसार 5 लाभार्थियों को 2 भैंसों का डेयरी लोन दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम से इन परिवारों को उनकी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इस मौके पर उनके साथ रविकांत, सुभाष चंद्र, पवन, संजय, देवेंद्र, प्रदीप, सुनील सहित अनेक लोग मौजूद थे। गांव किरढ़ाण के लोगों ने गृह मंत्री अनिल विज को फतेहाबाद कष्ट निवारण समिति का अध्यक्ष बनाने की मांग की। गांव किरढ़ाण के अनेक लोगों ने गृह मंत्री अनिल विज को फतेहाबाद कष्ट निवारण समिति का अध्यक्ष बनाने की मांग करते हुए सीएम विंडो में शिकायत लगाई है। बुधवार को यह जानकारी देते हुए गांव किरढ़ाण के नरेश कुमार, मोहित, कुलदीप, प्रेम कुमार, हाजारी, अक्षय, मनीषा सहित अनेक लोगों ने बताया कि उनकी काफ़ी लंबे समय से अनेक शिकायतें कष्ट निवारण समिति में लगाई हुई हैं जो कि अभी तक इस संबंध में कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद जिले में लोग न्याय लेने को लेकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला में बुधवार को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें हिंदी के प्राध्यापक दिल सुखराम ने महाविद्यालय के NSS की दोनों इकाई पुरुष व महिला के स्वयंसेवकों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए विवेकानंद जी के जीवन व उनके आदर्शों के विषय में बताया। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए गए भाषण के मुख्य अंशों से अवगत कराया गया। साथ ही विवेकानंद जी द्वारा देश के प्रति समर्पण और उनके आदर्शों को विद्यार्थियों को बताया। इस अवसर पर NSS
के पुरुष इकाई के प्रभारी दर्शन सिंह और महिला इकाई के प्रभारी राजेश कुमार ने भी विद्यार्थियों को विवेकानंद जी के जीवन से अवगत करवाया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष सिहाग के विद्यार्थियों को विवेकानंद जी के जीवन से संघर्ष और समर्पण की भावनाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। NSS की दोनों इकाइयों के विद्यार्थियों ने इस ऑनलाइन सेमिनार में उत्साहपूर्वक भाग लिया।